नमस्कार, मैं हूँ आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। सहरसा जिले के बलुआहाट ओपी क्षेत्र के सोनपुरा गांव की घटना सामने आई है, जहां बीते दिनों तकरीबन 5 बजे सुरेश यादव, अभिमन्यु यादव, इंद्रजीत यादव, दिनेश यादव, दीपू यादव, सभी रामचंद्र यादव के साथ अचानक पहुँच गए और गाली गलौज करते हुए फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद घर के कुछ बच्चों ने उसका वीडियो बना लिया, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ लोग घर के आसपास फायरिंग करते दिख रहे हैं, जिसमें एक के हाथ में राइफल तो दूसरे के हाथ में कट्टा साफ तौर पर दिख रहा है। पीड़ितों की माने तो इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। बलुआहाट ओपी में आवेदन देने के लिए गए रामचंद्र यादव की ओपी अध्यक्ष ने एक बिना सुनी और उसे डांट फटकार भगा दिया गया। अब वो डीएसपी न्याय की गुहार लगाई है। पहले पीड़ित क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुन लेते हैं। अरे, आपके यहाँ गोली चली थी, क्या मामला था? आवेदन देने के थाना मामला यही था कि हम लोग वहाँ घर पर बैठे थे अपना दरवाजे पर, उसके बाद अचानक आया वो सब चार आदमी, अभिमन्यु, इंद्रजीत, सुरेश और दिनेश, ये अचानक हमारे दरवाज़ा पर हमला करना शुरू कर दिया, गोली फायरिंग शुरू कर दिया। हम डर से भाग गए, मेरा परिवार वगैरह, पिताजी थे, भाभी थे और बेटा बेटी थे, सब जो है डर से आंगन भाग गया। आंगन भागने के बाद मेरा घर द्वार उजाड़ना शुरू कर दिया और गोली फायरिंग शुरू कर दिया, हालांकि टिका के भी गोली मारा, लेकिन हम भाग गए घर। उसके बाद जब मोबाइल से वीडियो बनाने लगे, मेरा बच्चा वगैरह, मोबाइल भी छीन लिए, और ये सब पूर्व से ही इसका इतिहास बना हुआ है, जो अपने भाई को रात में सोए हुए मार दिया, पूर्व में इसका इतिहास भी बना हुआ है। उसके बाद सारा कुछ होने के बाद भी फायरिंग किया और धमकी भी दिया, हम लोग भाग गए डर से, बाल बच्चे भाग गए। उसके बाद हम थाना गए, थाना में आवेदन नहीं दिए, बड़ा वो डांट फटकार के हमको काफ़ी भगा दिए। उसके बाद हम लोग जो है आगे फिर खबर किए, वहाँ भी जाने के बाद कोई सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि पूर्व का उसका इतिहास बना हुआ है, उग्रवादी टाइप का है, हम लोग को डर है कि कहीं रात हो या दिन अचानक वो गोली मार सकता है, इसलिए पहले भी उसने अपने भाई को सोए हुए में मार दिया। तो आप लोग क्या चाहते हैं अभी? हम लोग यही चाहते हैं कि हमको न्याय, कानून कार्रवाई उन पर किया जाए और न्याय दिया जाए। क्या नाम है आपका? सुभाष यादव। तो आपने सुना, साफ तौर पर पीड़ित का कहना था कि जब हम लोग अचानक घर में बैठे हुए थे तो हर वे हथियार के साथ ये सभी अपराधी हमारे घर पर पहुंचे और गाली गलौज करते हुए फायरिंग करना शुरू कर दिया। हम लोग इधर उधर भाग गए, जो भी घर की महिलाएं थी वो घर में भाग गई। जब ये लोग यहाँ से निकलकर बलुआहाट ओपी में आवेदन देने गए तो ओपी अध्यक्ष ने इन लोगों की एक बिना सुनी और इन लोगों को डांट फटकार कर भगा दिया गया। तब ये लोग डीएसपी के यहाँ पहुँचे हैं और डीएसपी साहब से न्याय की गुहार लगाई है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।